आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसे सेना के दो जवान, पाकिस्तान तक पहुंचा दी सेना की खुफिया जानकारियां। फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तानी हसीनाओं ने जाल में फंसाया। जयपुर सीआईडी ने दोनों जवानों को किया गिरफ्तार। जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन पर तैनात थे दोनों जवान। सेना की वर्दी पहनने से पहले मातृभूमि की पूरी ईमानदारी से सेवा करने की कसम खाई थी, लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद दो जवानों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से हाथ मिलाकर देश के साथ गद्दारी कर दी। इनके काले कारनामों का चिट्ठा खोलें, इससे पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत जान भी लीजिए। नाम विचित्र बहरा, काम सेना के लिए खाना बनाना, उम्र 20 साल, निवासी उड़ीसा। नाम रवि वर्मा, लांस नायक इंडियन आर्मी। उम्र 24 साल, निवासी रीवा जिला मध्य प्रदेश। जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन पर तैनात ये दोनों जवान पिछले 2-3 सालों से सेना की सामरिक और खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेज रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की लेडी एजेंट्स ने पहले इन दोनों जवानों से फेसबुक पर दोस्ती कर ली। इसके बाद शुरू हुआ मीठी मीठी बातों का सिलसिला। धीरे धीरे बात प्यार तक पहुंच गई और पाकिस्तान की सुंदरियों के आगे सेना के इन दोनों जवानों ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। विचित्र बहरा और रवि वर्मा पर पाकिस्तानी हसीनाओं की खूबसूरती का ऐसा खुमार छाया कि अपने फर्ज और देश से गद्दारी तक करने को तैयार हो गए। ये भारतीय सेना में काम जरूर करते थे, लेकिन पाकिस्तानी हसीनाओं के हाथ की कठपुतली बनकर वो जैसा चाहती थी जब चाहती थी ये दोनों जवान ठीक वैसा ही करते थे। और इस काम के एवज में इनके बैंक अकाउंट्स में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से मोटी रकम ट्रांसफर की जाती थी। लगातार भारतीय सेना के जवानों को हनी ट्रैप के जरिए फांसकर उन्हें गोपनीय व सामरिक सूचनाएं हासिल करने के कई प्रकार के हथकंडे अपना रही है। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में तैनात सेना की यूनिट में दो जवान लगातार अलग अलग भारतीय सेना की सामरिक गोपनीय युद्ध अभ्यास की जानकारी सीमा पार भेज रहे थे। आज इस बहुत बड़े जासूसी कांड का खुलासा सेना की इंटेलिजेंस, सीआईडी इंटेलिजेंस व आईबी की इंफॉर्मेशन पे जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में किया गया है। बहुत दुखद है, सेना की यूनिट में तैनात लांस नायक रवि वर्मा जो मध्य प्रदेश के रहने वाला है, और इसी तरह एक कुक जो जवान है बेहरम, विचित्र बेहरम नाम है उसका, उड़ीसा का रहने वाला है, उसने भी कुछ चंद रुपयों के लालच में आकर यह सूचना सीमा पार पाकिस्तान को भेजी है। आईबी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पोखरण क्षेत्र से सेना की एक यूनिट के इन दोनों जवानों को उस वक्त धर दबोचा जब ये आर्मी की खुफिया जानकारी आईएसआई की हसीनाओं के साथ शेयर कर रहे थे। लांस नायक रवि वर्मा 2016 में सेना में भर्ती हुआ था और पिछले 2 सालों से सेना की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था। वहीं सेना में कुक विचित्र बहरा 2017 में सेना में भर्ती हुआ था। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसने वाले दोनों जवानों से अब सख्ती से पूछताछ कर इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने अब तक पाकिस्तान को क्या क्या जानकारियां भेजी हैं और सेना में इनके जैसे और कितने गद्दार मौजूद हैं। वर्मा करके जो लांस नायक है वो 2016 में भर्ती हुआ था सेना में, और दूसरा जो कुक था विचित्र बहरम उड़ीसा का, ये करीब 1-1.5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ था। और भर्ती होने के साथ साथ आईएसआई ने जो नए नए लोग भर्ती होते हैं उनको फांसने की मुहिम की हुई है। इस प्रकार के विचित्र जो लोग हैं, इस प्रकार के जो चंद रुपयों के लालच में लोग आ जाते हैं उन्हें फांस कर आईएसआई अपना ये मकसद साध रही है और लगातार ये सूचनाएं हासिल कर रही है। ये एजेंसियाँ, इसके एजेंसियाँ जो यहाँ पे तैनात हैं उनके कान खड़े हो गए हैं, वो पूरी जाँच पड़ताल में लग गई है कि किस प्रकार इसको यह आईएसआई अंजाम दे रही है। आगे और कई परतें खुलेगी, कौन इनको हैंडल करता था, किस तरह ये सूचनाएं भेजते थे, ये आगे देखने की बात है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।